रोडवेज बस स्टैंड पर ऑटो चालक को ऑटो में मिला गहने व जरूरतमंद सामान से भरे बैग, पुलिस ने किया महिला मालिक को सुपुर्द। सरदार शहर के रोडवेज बस स्टैंड पर मंगलवार को ऑटो चालक वार्ड 54 निवासी मोहम्मद अकरम सब्जी फरोश को उसके ऑटो में गहने और जरूरतमंद सामान से भरा एक बैग मिला। ऑटो चालक मोहम्मद अकरम ने ईमानदारी का परिचय देते हुए बैग लेकर तुरंत पुलिस थाने पहुंचा और बैग को यातायात प्रभारी कांस्टेबल नरेंद्र दैया के सुपुर्द कर दिया। कांस्टेबल नरेंद्र दैया ने बैग को खोलकर चेक किया तो बैग में राजपूती परिधान के कपड़े और गहने और जरूरतमंद सामान भरा हुआ था। बैग में मिले कपड़ों के आधार पर प्रथम दृष्टया बैग किसी राजपूत जाति के व्यक्ति का प्रतीत हुआ, इसीलिए कांस्टेबल नरेंद्र दैया ने पंचायत समिति सदस्य इंद्र सिंह शेखावत से संपर्क कर बैग दिखाया। सभी ने बैग मालिक का पता लगाने का काफी प्रयास किया। आखिरकार काफी प्रयासों के बाद बुधवार शाम को यह पता चल पाया कि यह बैग हरदेसर निवासी मुमल कंवर पुत्री मोहन सिंह राजपूत का है। बुधवार शाम को पंचायत समिति सदस्य इंद्र सिंह शेखावत ने मुमल कंवर और उनके पिता मोहन सिंह को पुलिस थाने बुलाया और बैग को चेक करवाया। मुमल कंवर ने बताया कि उसका सभी सामान सही सलामत है, जिसके बाद यातायात प्रभारी हेड कांस्टेबल गणपत राम और पंचायत समिति सदस्य इंद्र सिंह शेखावत ने बैग को मुमल कंवर और मोहन सिंह के सुपुर्द कर दिया। मुमल कंवर ने बताया कि वह मंगलवार को अपने ससुराल फतेहपुर से सरदार शहर आ रही थी। सरदार शहर बस स्टैंड पर उतरकर बैग संभाला तो नहीं मिला, बैग ऑटो में कैसे पहुंचा इसकी जानकारी उसे नहीं है। वहीं मुमल कंवर और उसके पिता मोहन सिंह ने पंचायत समिति सदस्य इंद्र सिंह, कांस्टेबल नरेंद्र दैया और ऑटो चालक मोहम्मद अकरम का आभार प्रकट किया। आरएलपी नेता लालचंद मुण ने ताल मैदान स्थित राजकीय अस्पताल का किया औचक निरीक्षण, सफाई व्यवस्थाओं पर जताई नाराजगी। सरदार शहर के ताल मैदान स्थित राजकीय छोटू लाल सेठिया अस्पताल का आरएलपी नेता लालचंद मुंड ने बुधवार को अपनी टीम के साथ औचक निरीक्षण किया। इस दौरान राजकीय अस्पताल में सफाई व्यवस्थाओं को लेकर आरएलपी नेता मुंड ने नाराजगी जताते हुए अस्पताल प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान जांगिड़ से सफाई व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा की। आरएलपी नेता मुंड ने अपनी टीम के साथ पूरे अस्पताल का निरीक्षण किया एवं अस्पताल में भर्ती मरीजों से भी अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। आरएलपी नेता लालचंद मुंड ने बताया कि हमारे द्वारा समय समय पर अस्पताल का निरीक्षण करने को लेकर टीम के साथ वार्ता करते हुए निरीक्षण किया जाता है, उसी को लेकर अस्पताल का निरीक्षण किया गया है जिसमें सफाई व्यवस्था अस्पताल में सही नजर नहीं आ रही है, इसको लेकर अस्पताल प्रभारी से चर्चा की गई है। हमारे द्वारा समय समय पर आगे भी अस्पताल का निरीक्षण कर अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार हो, इसको लेकर काम किया जाएगा। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान जांगिड़ ने बताया कि अस्पताल में सफाई का बजट कम होने के कारण अस्पताल में 7 कर्मचारी सफाई में लगा रखे हैं। नगर पालिका को भी लिखित में दिया गया है कि अस्पताल की सफाई को लेकर कर्मचारी उपलब्ध करवाएं, इसको लेकर नगर पालिका चेयरमैन राजकरण चौधरी ने आश्वासन दिया है कि अस्पताल की सफाई व्यवस्थाओं में सुधार लाने के लिए नगर पालिका अपने द्वारा कर्मचारी भेजेगी। राष्ट्रीय तेजवीर सेना के अध्यक्ष राकेश चौधरी ने बताया कि पूरी तहसील के 210 गाँव के लिए राजकीय अस्पताल बना हुआ है, इसमें भी सफाई व्यवस्था अगर सही नहीं होगी तो मरीजों को स्वास्थ्य लाभ कैसे मिलेगा। हमारी मांग है कि अस्पताल प्रशासन इस ओर समय समय पर मॉनिटरिंग करते हुए अस्पताल की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखे, जिससे अस्पताल में आने वाले मरीजों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। अस्पताल प्रशासन अस्पताल में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई करे, जिससे अस्पताल की सफाई व्यवस्था सही रह सके। आरएलपी तहसील अध्यक्ष अमरमल जाखड़, रूपा राम चौधरी, रामपाल चौधरी, लक्ष्मी नारायण चौधरी, सोनू नायक, इरफान खान, हीरालाल, पवन स्वामी, शिव शंकर चौधरी, इंद्रचंद मेघवाल, सोनू प्रजापत, आबिद खान, मजान खान, रामकरण सारण, राकेश चौधरी, कालूराम प्रजापत, नरेंद्र गोस्वामी सहित आरएलपी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। सफाई की लेके थोड़ा साफ सफाई बिल्कुल यहाँ कम है और मशीनें पड़ी है जाँच के लिए, वो भी काफी दिन से बंद पड़ी है और यहाँ एक काउंटर के लिए कमी पड़ रही थी, वो इसके डॉक्टर साहब से बात करके वो आज वो चालू करने के लिए बोल रहे हैं। हॉस्पिटल में साफ सफाई का मुख्य समस्या है, यहाँ बेड शेड भी नहीं लगी है, बेडों पे चादर नहीं है बेडों पे, और बहुत सी समस्या है जो सब डॉक्टर साहब से बात करके और हम इसको समाधान करने की कोशिश करेंगे। आपने कितने वैसे तो हमें रोज़ ही आते ही रहते हैं और पेशेंट के साथ बार बार आते ही रहते हैं, लेकिन ये
वो देख के हमारे विचार आया कि अपन सारे सामूहिक रूप से जाके डॉक्टर साहब से मिलें और इनको अवगत कराएं। डॉक्टर साहब अभी ऊपर अधिकारियों से बात करने के लिए बोल रहे हैं, तो इनसे हम सारे बैठ के चर्चा करेंगे और जो भी समस्या है उसके निराकरण की बात करेंगे। जारी रहेगा 15 दिन से हमेशा, ये तो अपना काम है, अपना हॉस्पिटल है, हर यहाँ हमेशा आते ही रहते हैं और जो भी आएंगे तो कुछ उनको सुधार ज़रूर होगा। और डॉक्टर साहब से और इनसे भी कोई हमारी लड़ाई नहीं है, सहयोग करेंगे हम इन डॉक्टर साहब का और सब मिल गए और व्यवस्था सुधारेंगे। लाल सर की हॉस्पिटल की व्यवस्था है, डॉक्टर साहब यहीं खड़े हैं, व्यवस्था मैं मानता हूँ पूर्णतः फेल है। जो बेड पे बेडशीट का जो थी वो बेड पे लगनी चाहिए, वो कोने में पड़ी फेंकी पड़ी, शराब की बोतलें पड़ी है, जगह देख कचरा है। डॉक्टरों से निवेदन है कि एक तो जो पेशेंट भर्ती है उनकी लगातार मॉनिटरिंग करें, और हम आज आश्वस्त करते हैं कि महीने में 2 या 3 बार हम प्रयास करेंगे कि निरीक्षण करें। और आज हमने अवगत कराया, अगर समय रहते पर अपने डॉक्टरों से कहेंगे शख सही नहीं रहेंगे तो आगे फिर बढ़िया नहीं रहेगा इनके लिए भी हमारे लिए। और दूसरी बात ये कि सरदार शहर का मात्र एक हॉस्पिटल है, अनेकों उपकरण सरकार देती है इलाज, वो आज जंजर हालत में पड़ी है। तो एक्सरे मशीन ले लो, जाँचें लैब टाइम पर नहीं देती है, अधिकारी मिलते नहीं हैं, कंप्यूटर मिलते नहीं है, इमरजेंसी के डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि अभी क्या इमरजेंसी वार्ड में 3 पेशेंट हैं, 3 सफाई कर्मचारी नियुक्त है। तो मैं ये सब जानते हैं कि सरदार शहर से जितने भी एक्सीडेंट हुए या इमरजेंसी केस आते हैं उनको ये रेफर हॉस्पिटल नाम से सरदार शहर हॉस्पिटल प्रसिद्ध है, तो 3 आदमियों की वहाँ जरूरत नहीं है। और रोजाना सफाई हो डेली, तो मैं नहीं मानता कि 6 आदमी लगेंगे, थोड़ी सी मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब से निवेदन करेंगे हम कि मॉनिटरिंग करें, अगर अपना घर समझ कर सफाई कर्मचारी काम करेगा तो मैं मानता हूँ कि 4 आदमी काम कर सकते हैं। आज हम अवगत करा रहे हैं, समय रहते कार्रवाई नहीं करेंगे तो आगे फिर हम अपने हिसाब से काम करेंगे। हाँ, सफाई के लिए वैसे तो कुछ मौसम ख़राब हो गया, तो बारिश की वजह से भी कचरा आया हुआ था और तो उनको कर्मचारियों को लगाए हुए हैं। ये हमने निरीक्षण टीम को भी अवगत कराया कि हमारे पास सफाई कर्मचारी हैं और मैन पावर काफ़ी कम है, और नगर पालिका में हमने लिखे दिए हैं। आज अभी मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई है तो कह रहे हैं कि कल 1 तारीख को हम 4 आदमी भेज देंगे। तो आज मुझे संज्ञान नहीं था किसने कैसे डाली, नहीं सफाई के लिए एक पर्टिकुलर डॉक्टर को पहले भी लगा रखा है तो उनको पाबंद करेंगे। और सफाई कर्मचारी हम पहले भी डिमांड कर चुके हैं और आगे अभी भी दोबारा भी रिपीट करेंगे सीमत साहब से भी कि सफाई का बजट थोड़ा सा बढ़ाएं। हमारे पास सफाई का बजट काफ़ी बहुत ही कम है, लगभग 7 कैंडिडेट हैं जिसमें 3 कैंडिडेट डे नाइट इवनिंग में लेबर रूम में लगे जाते हैं और 3 कर्मचारी इस तरह इमरजेंसी के अंदर लग जाते हैं, तो केवल 2 ही आदमी पूरी हॉस्पिटल के लिए सफाई के लिए बचते हैं। तो ये थोड़े से कमी है, तो देखते हैं